हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, अभी का टाइम हो रहा है दोपहर का 2:15 आई थिंक। और मौसम देखो क्या मस्त बन गया है। मतलब आपको लगेगा देख के कि अभी हो रहा है शाम का टाइम, बट अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। और क्या मज़े है भाई। और गाइस, आप देख पाएंगे कि जितने भी खेत खलियान है यहाँ पे, सभी में पानी भरी पड़ी है। और कल कुछ इसी टाइम, मतलब 2:30 बजे के आसपास जो बारिश स्टार्ट हुई थी, वो अब जाके मतलब 1 घंटे पहले बारिश थमी हुई है। और बारिश जब थमी है तो कुछ काम थे जो अर्जेंट काम मेरे ख्याल से, उनको कंप्लीट कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अभी निकलना हो रहा है खरिया रोड। तो पहला जो काम है वो मेरा मोबाइल का जो टेम्पर ग्लास है उसको चेंज करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो टेम्पर ग्लास है वो पूरा ब्रस्ट हो चुका है, मतलब पूरा टूट फूट गया है। और ऑटोमेट फंक्शन होता है मेरे मोबाइल में, तो उसको चेंज करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ सामान हैं जो मुझे अपने शॉप के लिए लाना है। और इधर देखो, मतलब पूरा खेत खलिहान जो है पानी में भर चुका है। और नज़ारा देखो, एक नंबर, मतलब हरियाली हरियाली हरियाली। और जैसे ही बारिश होता है ना, आपको हरियाली ज़्यादा नज़र आता है। और मैंने पिछले ब्लॉग में भी जैसा बोला था कि जैसे ही बारिश होता है तो पेड़ पौधों में एक अलग चमक जो है नज़र आती है, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और देखो रास्ते का हालत देखो, मतलब कैसे टूटी फूटी रास्ते हैं, पूरा जो रास्ते हैं वो खराब हो चुके हैं। क्या मौसम है, मतलब ये ठंडा ठंडा काफी ज्यादा फील हो रहा है। और इधर देखो नदी नदी, वाह क्या पानी आ रहा है भाई। ओहो हो, एक तरफा भाई। तो गाइस देखो, पानी देखो, मतलब 24 आवर के पानी में देखो हालत क्या है। मतलब इधर देखो और यहाँ से इधर देखो। और ये जो नाला है ना, ये खेत से निकला हुआ पानी है, मतलब खेत से जो पानी आता है ना उसी का है। मतलब कोई अभी ये डैम एम का गेट नहीं खोला है, जितना 24 आवर में बारिश हुआ है जो खेत से पानी निकला है ना वही है। और इधर देखो, और ये जो पानी है जाके मिलता है, जो हमने बड़े वाला जो नदी देखे थे पहले उसमें आके मिलता है। और देखो क्या नज़ारा है यहाँ से, मतलब पूरा जो जगह है वो लबालब पानी से भरा हुआ है। और ये मात्र हमारे गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और देखो, तो अभी हम लोग उड़ीसा साइड में है, वो जो किनारा आपको नज़र आ रहा है वो छत्तीसगढ़ साइड है। और वहाँ पे कुछ लोग हैं जो मछुआरे हैं, मछली वछली मार रहे हैं। आह नज़ारा देखो क्या ज़बरदस्त। सो गए वहाँ से, अभी निकल गए हैं। और रुकने का तो काफ़ी ज़्यादा मन था, मतलब कितना अच्छा लग रहा था वहाँ पे पानी को देख के, बट काम ही ऐसा है, मतलब जाके काम निपटाना भी है, क्योंकि देखो मौसम बन रहा है और किसी भी टाइम में बारिश हो सकता है, इसलिए हमें काम निपटा के जो है 1-1.5 घंटे में वापस आना है। और ऐसा लग रहा है कि वापसी टाइम में हमें पानी ज़रूर मिलने वाला है। और देखो इधर देखो, मतलब पूरा जो नाले का पानी है मतलब पूरा अंदर घुस गया है। और इधर देखो पूरा खेत जो है पानी से भरा पड़ा है। और जो बारिश हुई है ना 24 आवर में, मतलब कंटिन्यू एक धार में, जिसको बोलते हैं ना बारिश, ना कम हो रहा था ना ज़्यादा हो रहा था। कल 3 बजे से जो बारिश स्टार्ट हुआ है, बाबा रे, मतलब दिन भर जाके बारिश हुआ है। और अभी 1:30 बजे करीब शांत हुआ है, तो शांत हुआ है तो कुछ काम जो है निपटा लेते हैं, पेंडिंग काम। और वैसे भी बरसात का मौसम आ गया है, बिन बुलाए बारिश तो होना ही है, तो काम निपटते जाए ज़्यादा बेटर है। और इधर देखो पहाड़ क्या हरा भरा लग रहा है, मतलब बारिश के साथ तो अलग ही नज़ारा मिलता है आपको। और
जो खरिया रोड है वहाँ हम लोग के गांव से जाने के लिए 3 रोड है, एक हाईवे है और 2 जो है शॉर्टकट है। और ये जो हम लोग अभी रूट ले रहे हैं ये सबसे शॉर्टकट है, मतलब थोड़ा सबसे कम जो किलोमीटर्स है इसी में पड़ता है। और सबसे ख़राब जो रोड है, हालात देख सकते हो, और इसी का है। कभी काफ़ी अच्छा रूट हुआ करता था, बट जैसे ही गाड़ी वगैरह चलते हैं और इधर चक्के में जो ट्रैक्टर है उसमें लोहे चक्के लगा देते हैं, फिर तो रोड की हालत ख़राब हो जाती है। और इधर देखो जो खेत में पानी है वो लगभग रोड के बराबर आ गई है। इधर भी देखो, इधर भी देखो पानी, वाह, इधर भी देखो पानी पानी, क्या ताबड़तोड़ बारिश हुई है जिसका हाल आप इन खेतों पे देख सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम लोग पहुंच चुके हैं खरिया रोड और आज थोड़ा सा खाली खाली नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हुई है तो काफ़ी सारे शॉप वगैरह हैं जो खुली नहीं है। इस साइड ऑटो पार्ट्स, लगभग जितने भी दुकानें हैं सारे के सारे बंद हैं। सो गाइस, जो सबसे पहला काम है वो मेरे जो फ़ोन है उसका टेम्पर चेंज करने का, तो उसको फटाफट से करते हैं फिर दूसरे जगह चलते हैं। और पता नहीं खुला होगा कि नहीं, क्योंकि लगभग दुकानें जितने भी हैं सारे के सारे जो हैं बंद नज़र आ रहे हैं। और इस टाइम पे खुला होगा कि नहीं, तो गाइस सारे जो काम है वो हो चुका है और अभी जो टाइम है वो लगभग 5 बज गया है। इस टाइम तक हमें घर पहुंच जाना था लेकिन भीड़ भाड़ काफ़ी होने के कारण जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा लग गया। तो अभी हम लोग होटल के सामने रुके हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ खाते वाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस सारे काम फटाफट से हो गए हैं और अपन का स्नैक्स भी हो गया शाम का, बेहतरीन समोसे के साथ मूंग बड़ा। तो समोसा काफ़ी गर्म था और चटनी तो बेहतरीन था, मतलब पुदीने का चटनी, टमाटर का चटनी, इमली की मीठी चटनी, वाह 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 क्या स्वादिष्ट चटनी था। तो गैस शाम का भी लगभग 6:15 होने को जा रहा है और मौसम जो है पूरा बन गया है, मतलब बारिश होने को ही है, लगभग हो ही जाएगा समझ के चलो। अपन पहुँचते तो थोड़ा तेज चलना पड़ेगा अब। तो अभी जो नेक्स्ट काम रह गया वो है पेट्रोल फिल करवाने का, तो फटाफट से पेट्रोल भी फिल करवा लेते हैं। अभी तो वैसे मेरे बाइक में पेट्रोल है लेकिन काफ़ी दिनों बाद इधर आना होता है तो पेट्रोल फिल करवा देते हैं, क्योंकि हमारा जो लोकल है वहाँ पे खुले में डलवाना पड़ता है, टंकी वंकी है नहीं, तो इसलिए जब भी आते हैं तो एक्स्ट्रा पेट्रोल डलवा लेते हैं अपन। तो ये रहा पेट्रोल टैंक, डलवा लेते हैं यहाँ पे। सो गाइस पेट्रोल फिल हो गया है और आज का जो प्राइस था, यानी कि आज 22 जून को 82.64 रुपये। तो गाइस जैसे ही टाउन से बाहर आए और कुछ गांव साइड एंट्री की है तो यहाँ पे हल्का फुल्का जो है बूंदाबांदी स्टार्ट हो गया है। और जब तक हम लोग खरिया रोड में थे तो बारिश पूरी थमी हुई थी, बिल्कुल भी बूंदाबांदी नहीं हो रहा था, लेकिन माहौल लग रहा था कि बारिश हो जाएगा लेकिन बारिश तो नहीं हो रहा था। जैसे ही गांव साइड आए तो बारिश यहाँ पे हल्का फुल्का बूंदाबांदी स्टार्ट हो गया है। और तो गाइस जाने के टाइम जिस नाले पे हम लोग रुके हुए थे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी ओवरफ्लो हो रहा था वहीं पे फिर से आके रुके हैं, लेकिन जो 1.5 घंटे में जो चेंजेस यहाँ पे देखने को मिला है उसको मैं आपको अभी बैक कैमरे से दिखाता हूँ।
तो गाइस देख सकते हैं यही वो नाला है जिसको हम लोग जाते टाइम यहीं पे रुके हुए थे, और देख सकते हैं 2-3 घंटा में कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। मतलब ये जो आपको ज़मीनें वगैरह नज़र आ रही है, इससे पहले जो है जब हम लोग जा रहे थे तो ये ज़मीनें वगैरह पूरा पानी में डूब चुका था, सिर्फ ये वाला ज़मीन नज़र आ रहा था, ये भी डूब चुका था, ये सारे डूब चुके थे। और इस साइड अगर दिखाता हूँ तो ये जो आपको पहले वाला ब्रिज मतलब पुराना ब्रिज नज़र आ रहा है, ये पूरा ओवरफ्लो हो रहा था, इससे पूरा पानी ऊपर आ रहा था, लेकिन 2-3 घंटे में पानी काफ़ी कम हो गया है।